सारी प्रशासन की कमी है, कोई पेपर रिचेगा ढंग से, कोई चेकिंग नहीं कर जा रही, जो चेकिंग के नाम पे भी सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं। एसएल प्रशासन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और भी बहुत लाखों बच्चे हैं जिनकी रिजल्ट पे धांधली हुई है और इनसे ये बोला जा रहा है कि रिवैल्यूएशन में आप 1000 रुपये दीजिए, 2 या 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। हम बेवकूफ़ तो है नहीं, रुपए कमाए जाते हैं, हम मेहनत कश परिवारों से आते हैं, 1000 रुपये हम क्यों दें? हमारी तो कोई गलती नहीं है और आप 2 या 3 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, मास्टर्स के फॉर्म तो निकल ही जाएंगे, तो आप क्या हमको गधा बना रहे हैं? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी एग्ज़ाम भी दिया है। अच्छा। और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसा ना हो। एंड ये चीज़ और जो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के जो पेपर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 3 to 4 मंथ में आपके आएंगे। तो जब तक ये पे रिजल्ट आएंगे रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के, तब तक हमारे जो मास्टर्स के फॉर्म्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो साल तो हमारा फिर भी ख़राब गया ना, कि हम किसी अनदर कोर्स में हम अपना एडमिशन नहीं करवा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़ और द नेशनल अवार्ड। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ छात्रों का हजूम आज जो एक प्रोटेस्ट कर रहा है। जो प्रोटेस्ट है यहां पर ये है, इनकी मांग है कि जो अभी 6th सेमेस्टर का BCom का रिजल्ट अभी जो जारी किया गया है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, उसमें छात्रों के रिजल्ट में जो धांधलेबाजी की गई है, तमाम ऐसे छात्र जिन छात्रों को एग्ज़ाम परीक्षाएं देने के बावजूद उनको फेल कर दिया गया है, इस नाम पर कि उन्होंने वो परीक्षाएं वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं, उनको अब्सेंट दे दी गई है। तो इस प्रोटेस्ट में KYS इसको लीड कर रहा है और KYS के साथ वो छात्र भी मौजूद हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो एक हमारे साथ एक छात्र हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि आप जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या समस्या दिखती है आपको सोल से? एक्चुअली मेरा नाम केशव है, मैं 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था अपना, जिसमें एक सब्जेक्ट है SEC नाम से, मतलब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है अलग से। तो उस सब्जेक्ट में मेरे को 0 शो कर रखा है इन लोगों ने, एब्सोल फेल करके 0 शो कर रखा है। और जबकि वो पेपर मेरे अप्रोक्सीमेट सारे पेपर अच्छे गए थे, वो पेपर मेरा अच्छा गया। और उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पे आया इनके पास रिवॉल्यूशन करवाने के लिए, अपना रीचेकिंग कराने के लिए, तो इन्होंने पहले मेरे से फॉर्म भरवाया, पहले सोल से, फिर मुझे आर्ट ऑफ फैकल्टी भेजा यहाँ से, यहाँ 3 चक्कर लगवाया, फिर मेरे से फॉर्म भरवाया और फीस भी बढ़वाई मुझे उस सब्जेक्ट की। क्या फीस? 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फीस ले रहे हैं। हाँ, उस सब्जेक्ट की फीस भी बढ़वाई मेरे से इन्होंने SEC की। और उसके बाद इन्होंने ये मेरे को मना कर रहे हैं कि आपके SEC सब्जेक्ट की जो रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग होगी वो नहीं होगी, नहीं की जाएगी। तो अगर इस सब्जेक्ट की अगर रीचेकिंग नहीं की जाती है तो इसके नंबर भी काउंटिंग में ना करें। इस तरीके से छात्रों का आरोप है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कई छात्र ये बोल रहे हैं उनको फेल कर दिया गया है, कई छात्र ये बोल रहे हैं कि उनको अब्सेंट कर दिया गया है, तो आपका क्या समस्या है? अब्सेंट का भी मेरा शो था क्वेरी, तो अब्सेंट का तो मेरा क्लियर हो गया। बट जो ये SEC सेमेस्टर का था, SEC सब्जेक्ट का है, कि इन सब्जेक्ट में बच्चों को फेल कर दे रहे हैं लेकिन उसका रिवैल्यूएशन नहीं ले रहे। एक सब्जेक्ट ऐसा भी है कि जिसमें ये उसका रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग ही नहीं कर रहे, उसकी साफ मना कर रहे पेमेंट लेने के बाद। और जो अगर ये रिवैल्यूएशन करके चेकिंग भी कर रहे जो बाकी सब्जेक्ट के हैं, रिवैल्यूएशन का पेमेंट ऑलरेडी ले लिया है और उसके बाद मना कर दिया। अच्छा, किसने मना किया आपको इस चीज़ को? आर्ट ऑफ फैकल्टी का Gate No. 1 पे ये सबमिट हुआ था, वहाँ पे इन्होंने पहले फॉर्म्स लिए, उसके बाद जब मैं दूसरे दिन दोबारा के लिए आया कि ये अपडेट कब तक होगा, तो फिर इन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा। एंड ये चीज़ और जो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के जो पेपर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 3 to 4 मंथ में आपके आएंगे। तो जब तक ये पे रिजल्ट आएंगे रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के, तब तक हमारे जो मास्टर्स के फॉर्म्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो साल तो हमारा फिर भी ख़राब गया ना, कि हम किसी अनदर कोर्स में हम अपना एडमिशन नहीं करवा सकते। एक साल के बाद ही हमें किसी मास्टर्स की डिग्रीज में मिलेगी। या फिर जैसे अभी मैं CA का कर रहा हूँ, तो मेरा जो थर्ड ईयर CA का जो थर्ड पार्ट है, मेरा सेकंड पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, लेकिन जो थर्ड पार्ट है मेरा, उसके लिए मुझे BCom की डिग्री की ज़रूरत है। अच्छा। BCom की डिग्री की थर्ड ईयर की ज़रूरत होती है उसके लिए थर्ड पार्ट में, जब भी मुझे एंट्रेंस देंगे। मैं वहाँ पर पास हो रहा हूँ और यहाँ पर पास नहीं होऊँगा, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल ही है मेरे को लग रहा है। कि एक CA का लेवल का बंदा और ये ड्यू सोल में जो नॉर्मल से एक केस स्टडी आई हुई है पेपरों में, वो अगर क्लियर ना करे, वो ये चेक नहीं कर रहे सही से, तो इसमें इनकी डिफ़ॉल्ट है, हमारी तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है ना। तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन की कमियां हैं सारी प्रशासन की कमियां हैं, कोई पेपर रिचेगा ढंग से, कोई चेकिंग नहीं कर जा रही, जो चेकिंग के नाम पर भी सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं।
क्योंकि रीचेकिंग के बाद भी अगर ये पास आउट करते हैं हमें तो 1000 रुपए हमें रिफंड आएंगे। आइडिया आपको कि आपके साथ ऐसे कितने बच्चे को जो उनकी संख्या एक कितने नंबर है, मतलब अभी मैं एक डाटा देख रहा था जिसमें हर 5 में से एक बंदा फेल है, बीकॉम प्रोग्राम का हर 5 में से एक बंदा एक स्टूडेंट फेल है, और अभी बीए का भी रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो आप देख लेना भीड़ और बढ़ जाएगी। बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे इस वजह से नहीं आ पा रहे क्योंकि वो शायद इधर नहीं है, कुछ बच्चे जैसे हमारे ग्रुप में कोऑर्डिनेट हो रहे थे तो यहाँ पे नहीं है, अलग अलग वर्कशॉप पे है। कि इतनी बड़ी समस्या छात्रों के साथ होंगे, एक साल बर्बाद दिख रहा है यहाँ पर, उसके बावजूद यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है कुछ ही छात्र यहाँ पर, एक दो छात्र मौजूद हैं और कोई नहीं है, वो जो कुछ छात्र हैं जैसे कल के प्रोटेस्ट में वर्ड जो कल भी आ रहे, कल किसी और संस्था ने अपना प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बाद जैसे कल ग्रुप्स में हमें आज मैसेज आ रहे, मॉर्निंग में मैसेजेस आ रहे थे कि ग्रुप्स में धमकियां आ रही थी किसी अनदर ग्रुप संगठन से कि आप आओगे सोल तो आपके साथ ये होगा, आपके साथ ऐसा होगा, आपके डेटाज हमारे पास है। वो जो संगठन है छात्रों का ग्रुप में, वो या तो छात्रों का संगठन है या तो ड्यू सोल से कोई होगा, वो धमकियां दे रहे। मेरे पास मैसेजेस भी ग्रुप में होंगे शो, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा साफ साफ तौर पर। लड़कियों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है इस नंबर से, अच्छा। इन नंबर से हमें परेशान किया जा रहा है, कोई ग्रुप का नाम लेके कोई कुछ कह रहे हैं, तो ये इन चक्रों वजह से आज स्टूडेंट की कम संख्या, वरना अदरवाइज हमारे 25 को प्रोटेस्ट हुआ था तो 25 को संख्या थी हमारी। तो अभी आपने देखा केशव से हमने बातचीत की है, केशव का साफ तौर पर यहाँ पर आरोप है कि ये केशव जो है अभी सीए कर रहे थे और इन्होंने यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दिए थे थर्ड ईयर के, साफ तौर पर आरोप है प्रशासन के खिलाफ कि जो छात्र एक सीए के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है वो बीकॉम थर्ड ईयर का एक मामूली से एग्ज़ाम एक केस स्टडी को सॉल्व कैसे नहीं कर सकता और इनको जो है फेल कर दिया गया। कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेंगे कि जो आज जो इसमें शामिल हुए हैं कि क्या समस्या है उनको, कि आप क्या नाम है आपका, तो आप किस सेमेस्टर में, अभी सेकंड सेमेस्टर में, तो आप जो ये प्रोटेस्ट रिपोर्ट हो रहा है उसमें क्या समस्या आपको दिखती है सोल के खिलाफ जो आपने ज्वाइन किया है? लेकिन यहाँ पर भूख जो मिली है ना, जो लेकिन जहाँ पर भूख नहीं मिल रही थी ना उनके सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उनके बच्चों को फेल किया जाएगा ऑनलाइन में ऑफलाइन में, इसलिए आगे पता नहीं क्या होगा, फीस लेगा इसलिए आगे और चाल खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल खुद भी कर सकता है कि बच्चों को आप पैक कर खेल ले, इसलिए आज साल और क्लास लेने पड़ेगी, तो हम नहीं कर सकते, हम उसको और प्रूफ कर सकते हैं। तो लगातार जो छात्रों का आरोप यहाँ पर यही है कि सोल प्रशासन अपनी जो है तानाशाही वाली रवैया एक अपनाए हुए है, और तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम और भी बातचीत करेंगे कि भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार है। तो क्या आपको क्या समस्या दिख रही है? जो ये समस्या लगी, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी एग्ज़ाम भी दिया, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ ये ऐसा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में उनका सपोर्ट करने आया हूँ ताकि अब ऐसा ये अब हाल है, तो मेरे टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा और इस टाइम पे मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो कई सारे मैं देख रहा हूँ, मैं कई से बात भी करी, लोग कह रहे हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन उसमें 0 आ रहे हैं, तो ऐसे मेरे साथ ना हो। प्रशासन तो इसको समाधान करने के लिए कह रहा है ना इसको, तो कह रहा है कर क्यों नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ हो, तो कहने से कुछ नहीं होता ना, करना पड़ता है, तो वो नहीं कर रहे थे इसमें हमें यहाँ उतरना पड़ रहा है, हमें बताओ तो ये क्या सही है, मैं ये प्रशासन से पूछा जाता हूँ। तो प्रशासन से आप ना खुश हैं जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है? मैं नहीं खुश हूँ, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो ही रहे हैं, वो खुद देख भी रहा है तब भी वो चुप है, इस मामले बताओ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इनके हम यही कर सकते हैं, वो तब भी बताओ क्या करें। तो जिस तरीके से अभी प्रदर्शन हो रहा है, आप KYS के एक सदस्य हैं, तो क्या लगता है ये एक रवैया क्या अपनाया हुआ है प्रशासन? प्रशासन का रवैया हमेशा से ही जो भी छात्र स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ते वो यही रहा है, हमने उनको बहुत बार अप्रोच कराए उसके बावजूद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले SOL से लेकर 8वें फैकल्टी का एक रैली निकाली थी, SOL के छात्रों के साथ जो भी समस्या हुई है उसको लेकर हमने रैली निकाली थी, और जब हम SOL में गए वहाँ पे जो है हमको गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया, हमको मेमोरेंडम सबमिट ही नहीं करने दिया, और ये जो कंसर्न है स्टूडेंट्स का ये जेन्युइन कंसर्न है, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ये कहानी बना रहे। SOL प्रशासन को अच्छे से पता है कि उनकी गलती की वजह से SOL के छात्रों का भविष्य जो है वो खराब हो रहा है। अच्छा, एक
कितना आंकड़ा होगा छात्रों का जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? लगभग जो है 90% या फिर ऐसा बोला जाए बाय एंड लार्ज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एफ दिया गया और बहुतों को ए भी दिया गया और मैं खुद 300 बच्चों को जानता हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है और भी बहुत लाखों बच्चे हैं जिनके रिजल्ट में धांधली हुई है और इनसे ये बोला जा रहा है कि रिवैल्यूएशन में आप 1000 रुपये दीजिए 2 या 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। हम बेवकूफ तो है नहीं, रुपए कमाए जाते हैं, हम मेहनत कश परिवारों से आते हैं, 1000 रुपये हम क्यों दें? हमारी तो कोई गलती नहीं है और आप 2 या 3 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, मास्टर्स के फॉर्म तो निकल ही जाएंगे, तो आप क्या हमको गधा बना रहे हैं? हम साहब सब कुछ जानते हैं एसएल प्रशासन किस तरह से काम करता है और सालों से उनका रवैया ऐसे ही रहे गरीब छात्रों के प्रति। पर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में छात्र ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं जी, पर आपके इस प्रदर्शन में देखा जाए तो उसका 1% या कुछ परसेंट भी यहाँ पर मौजूद नहीं। हमने कुछ दिनों पहले एक रैली निकाली थी, उसमें बहुत सारे छात्र मौजूद थे, उससे एक दिन पहले एग्जामिनेशन ब्लॉक में बहुत सारे छात्र मौजूद थे, मैं भी उधर गया था और छात्रों ने एग्जामिनेशन ब्लॉक में बातचीत करी थी, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया ना उन्होंने ढंग से बात करी हमारे साथ। और साथ ही साथ हमने ऑनलाइन कैंपेन करा था, बहुत सारे बच्चों ने मेल भेजे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, उन्होंने मेल भेजा DU के VC को, उन्होंने मेल भेजा, तो जाहिर सी बात है हम जो है SUL के छात्रों की जो समस्या उठा रहे हैं हम जो है ऑनलाइन माध्यम से भी उठा रहे हैं। और ऑनलाइन माध्यम से अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों ने मेल करा है, बहुत सारे बच्चों ने फोटो खींच के डाली हुई है कि हमारे साथ ये सारी समस्या हो रही है, जाहिर सी बात है कि आज बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, कुछ यहाँ पे अभी भी मौजूद है और बच्चे अंदर भी गए हैं हमारे साथी के साथ, तो अंदर से वो बाहर आएंगे फिर बताते हैं क्या बातचीत होती है। जिस तरीके से आपने भी कुछ सवाल उठाए हैं प्रशासन के खिलाफ कि रिवॉल्यूशन के नाम पे एक फीस लपेटी जा रही है, मतलब तो वो तो कह रहे हैं कि अगर आप बच्चा जो है कामयाब है उस परीक्षा में तो उसको वापस कर दी जाएगी। उमा शंकर पांडे से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर आपके बच्चों को किताब ना मिले, आपके बच्चों को क्लासेस ना मिले, आपके बच्चों को ये ना बताया जाए कि क्लास किस दिन है, कितने बजे है, उसका सेंटर का है, तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे? उमा शंकर पांडे जो है उसके खुद मार्क्स नहीं आएंगे। सचिन तेंदुलकर को अगर बोल दे कल जाके लॉर्ड्स में क्रिकेट का मैच है आपको खेलना है, एक दिन में तो नहीं कर पाएगा कुछ भी। अरे आपको समय देना होता है ना, ना आप किताबें देते हैं ना आप क्लासेस देते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर करे? और कुछ बच्चों ने मेहनत करी है, उसके बावजूद भी बच्चे अपने खुद रुपए खर्च करके बाहर से किताबें लेते हैं, बल्कि उन्होंने फीस पे दे रखा है किताबों का रुपया, उसके बावजूद भी बच्चे बाहर से किताबें लेते हैं और उन्होंने मेहनत करी उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट इतना घटिया शो करा गया। और ये बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे तो कह रहे चलिए आप रीवैल्यूएशन करिए हमको आंसर शीट दीजिए, ये आंसर शीट भी नहीं दे रहे हमको। गलती तो मान रहे अपनी समाधान भी दे रहे हैं, उसकी रिवॉल्यूशन करा रहे हैं फीस 1000 रुपए किस बात के दे हम एसएल प्रशासन भी कर रहे हैं वो चीज़ नहीं कर रहे हैं वो से हवा कल के कल का जो एक मेमोरेंडम सबमिट हुआ था उसमें आश्वासन दिया है कि जो फीस है उसको वापस किया जाएगा। एसएल प्रशासन पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत समय से उनका रवैया ऐसे रहा, हमने बहुत बार मेमोरेंडम सबमिट कराए, बहुत सारी उनको दिक्कतें पता है, वो सिर्फ बोलते हैं वो करते रहिए और एसएल के छात्रों को भी पता है ये सारी बातें कि क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हैं, वो हर चीज़ का आश्वासन देते हैं कि रिवैल्यूएशन की जो फीस मिल जाएगी इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, पर ज़मीनी तौर पे हमको कुछ नहीं दिखता है तो हम कैसे विश्वास करें उन पर? हमने उनको पहले भी मेमोरेंडम सबमिट कराया कि किताबें समय पर मिलनी चाहिए, क्लासेस का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उस समय भी उन्हें बोला था कि ठीक है ये सारी जो कंसर्न्स है इनको हम एड्रेस करेंगे, उस समय भी जैसा आप कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हाँ सब कुछ हो जाएगा पर कुछ तो हुआ नहीं, तो हम क्यों विश्वास करें और कैसे विश्वास करें हम, आप ये बताएं चाहते क्या है आप आखिरकार? हम विश्वास नहीं है प्रिंसिपल, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मांगे है जो भी हमारे साथी ने यहाँ पे दोहराई भी, हम तो यही चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन करी जाए बिना फीस के जल्द से जल्द। कल उन्होंने आश्वासन दिया इस चीज़ का, आश्वासन दिया ना अभी अंदर बात करने गए, क्या बातें होती है उससे भी पता चलेगा और तुरंत रिजल्ट निकाला जाए, वो कह रहे 2 या 3 महीने बाद। लाखों बच्चे हैं तुरंत तो कोई चीज़ नहीं हो पाएगी ना, 20 दिन में हो सकते, हम ये नहीं कह रहे कि 1 दिन में ही निकाल दीजिए, हम तो कह रहे कि आप 20 दिन में निकालिए और आप अगर 20 दिन में नहीं निकाल पाते तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक नोटिस जारी कर दे कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जिसने भी ग्रेजुएशन करी है उनको 1 महीने का और समय दिया जाए मास्टर्स के फॉर्म भरने का, ये कर दीजिए, पर इसमें उनकी ना कोई हामी है ना वो कुछ बोलने को तैयार है, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? तो
अभी हमने क्रांतिकारी युवा संगठन के एक साथी से बात की, जिनका साफ तौर पर प्रशासन के ऊपर आरोप है कि जो प्रशासन का रवैया है, तानाशाही रवैया, छात्रों का जो भविष्य खराब करने पर तुला हुआ है, उसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। और इन्हीं मांग को लेकर आज जो है DUVC से इनका एक जो है मिलने गए, इनके मेमोरेंडम लेके मिलने गए साथी। अब जानना ही है कि वो मेमोरेंडम लेके जो गए, क्या आश्वासन DUVC से मिलता है और क्या कुछ समय इनको दिया जाता है। जब तक के लिए देखते रहें द नेशनल आवाज़ सुपर जस्टिस।